हे ट्रेडर्स, वंस अगेन वेलकम टू ट्रेडर्स बाजार। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टॉक मार्केट में कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है। सो बेसिकली दिस वीडियो इज अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बेसिकली तीन तरह की ट्रेडिंग होती है। नंबर वन इंट्राडे ट्रेडिंग, नंबर टू स्विंग ट्रेडिंग या मिड टर्म ट्रेडिंग, और नंबर थ्री इन्वेस्टिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम एक एक करके इन सब के बारे में डीपली जानेंगे कि कौन सी ट्रेडिंग कब करनी चाहिए और इन ट्रेडिंग के फायदे क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। जब आप कोई ट्रेड मार्केट ओपन होने के बाद लेते हो और उसे उसी दिन मार्केट क्लोज होने से पहले सेल कर देते हो तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। दोस्तों, नॉर्मली जिस ट्रेड को आप 9:15 AM के बाद लेते हो और उसी दिन 3:30 PM पे मार्केट क्लोज होने से पहले सेल कर देते हो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। और जो ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को एक दिन से भी कम टाइम पीरियड पे होल्ड करते हैं उन्हें इंट्राडे ट्रेडर्स कहते हैं। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडर्स कभी भी अपनी ट्रेड को नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। चाहे उन्हें लॉस हो या प्रॉफिट, वो उसी दिन अपनी ट्रेड में से एग्जिट हो जाते हैं। इस ट्रेड को इंट्राडे ट्रेड कहा जाता है। तो चलो अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडिंग के बारे में, स्विंग ट्रेडिंग या मिड टर्म ट्रेडिंग। जब किसी पोजीशन को एक दिन से ज्यादा और एक साल से कम के लिए होल्ड किया जाता है तो उस ट्रेडिंग को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इसी तरह नंबर थर्ड है इन्वेस्टिंग। जब किसी पोजीशन को एक साल से ज्यादा के लिए होल्ड किया जाता है तो उसे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कहा जाता है। तो आपको इंट्राडे, स्विंग और लॉन्ग टर्म के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जब हम किसी पोजीशन को एक दिन से कम के लिए होल्ड करते हैं तो उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं, और जब किसी पोजीशन को हम एक दिन से ज़्यादा और एक साल से कम के लिए होल्ड करते हैं तो उसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, और जब हम किसी पोजीशन को एक साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं तो उसे हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो चलो अब हम अच्छे इन्वेस्टर की कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं। नॉर्मली इस फील्ड में दो क्वालिटी होनी चाहिए, नंबर वन कैपिटल और नंबर टू नेचर ऑफ द पर्सन। कैपिटल में तो दोस्तों आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो वो हो गया, और नेचर में कि आपका नेचर कैसा है, आप गुस्सा करते हो, आप पेशेंस रख सकते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा एंग्जियस हो जाते हो, आपका नेचर कैसा है, आप कहीं ज़्यादा लॉस देख के पैनिक तो नहीं हो जाते हो। दोस्तों, ट्रेडिंग में नेचर का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट को देख के ट्रेडर के माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप में ये दोनों क्वालिटीज अच्छी होनी चाहिए, आपका नेचर अच्छा होना चाहिए, आप में पेशेंस होना चाहिए किसी भी ट्रेड को होल्ड करने का, और अगर आपके पोर्टफोलियो में लॉस भी दिखे तो आपको पैनिक नहीं होना है। अब कैपिटल और पेशेंस को लेके हम इन तीनों ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, और उसमें आपको पेशेंस भी ज़्यादा रखना होगा, क्योंकि आपको वो ट्रेड एक साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करनी पड़ती है। इसलिए आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में पेशेंस रखना होगा, और ऐसा बोल सकते हो कि आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में एक बार पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भूल जाना होगा जो टाइम पीरियड आपने सेलेक्ट किया है उस टाइम पीरियड तक। अब दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आपको एज ए लॉन्ग टर्म क्रिलेट में थोड़ा कम कैपिटल चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, और यहाँ पे पेशेंस भी थोड़ा कम है, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रेड एक दिन से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हो और एक साल से कम के लिए होल्ड करते हो, तो आप दो दिन के लिए भी होल्ड करते हो, पाँच दिन के लिए भी होल्ड करते हो, तो उसमें पेशेंस डिपेंड करता है आप कितने दिन के लिए होल्ड करते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे भी थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि आप यहाँ पे मिनिमम दो दिन के लिए तो होल्ड करते ही हो। बहुत सारे स्विंग ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो दो दिन के लिए तो होल्ड करते हैं लेकिन पूरी पूरी रात सोते नहीं है उन दो दिन तक कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। जब वो अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हैं तब जाके उनको सही से नींद आती है। इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा पेशेंस तो चाहिए। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको कम अमाउंट में पैसा चाहिए होता है, और यहाँ पे पेशेंस भी बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेड में सेम डे एंटर होके सेम डे एग्जिट कर लेते हो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। तो यहाँ पे आपको कम कैपिटल चाहिए होता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म एंड स्विंग ट्रेडिंग, और यहाँ पे आपको पेशेंस भी बहुत कम चाहिए होता है। और दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में ये भी फायदा है कि आपको आपके ब्रोकर से कुछ लेवरेज भी मिल जाता है जिससे आप ट्रेड कर सकते हो। लेवरेज को आप एक तरह से लोन बोल सकते हो।
मान लो आपके पास 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन आपको आपका ब्रोकर 30,000 रुपए तक के स्टॉक बाय करने की कैपेसिटी देता है, लेकिन उसमें आपको वो स्टॉक उसी दिन सेल करना पड़ता है, चाहे आपको लॉस हो या फिर प्रॉफिट, आपको वो स्टॉक उसी दिन सेल करना है। होप्सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में आपको कैपिटल और पेशेंस दोनों ज्यादा चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग में आपको कैपिटल और पेशेंस एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग थोड़े कम चाहिए, और इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको कैपिटल और पेशेंस दोनों ही बहुत कम चाहिए होते हैं। तो अब बात करते हैं स्क्रीन टाइम के बारे में। स्क्रीन टाइम का मतलब है कि आपको कितनी देर तक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना है और चार्ट को देखते रहना है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को स्क्रीन के सामने बहुत ही कम समय के लिए बैठना पड़ता है, उनको सिर्फ उस टाइम के लिए वो चार्ट देखना होता है जब वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, फिर जब तक उनका टाइम पीरियड खत्म नहीं होता है तब तक उन्हें स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्विंग ट्रेडर्स को भी स्क्रीन के सामने ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको भी बस जब वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तब स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत पड़ती है, और कभी कभी उन्हें स्क्रीन चेक करते रहना पड़ता है ताकि उन्होंने जिस पोजीशन के लिए, जो टारगेट के लिए अपनी ट्रेड में एंट्री करी है, वो टारगेट अगर पहुंच गया हो तो वो अपनी ट्रेड से एग्जिट हो जाए। उन्हें पूरे दिन स्क्रीन पे बैठने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें बस कभी कभार अपने स्क्रीन पे उस चार्ट को चेक करते रहना होता है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडर्स को पूरे टाइम स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स को उसी दिन स्टॉक में एंट्री और एग्जिट लेनी होती है, तो उन्हें वहां पे परफेक्ट ट्रेड सेटअप भी ढूंढना पड़ता है, और ट्रेड सेटअप ढूंढने के बाद जब उनका टारगेट आ जाता है तब उन्हें वहां से एग्जिट भी होना पड़ता है। और इंट्राडे ट्रेडर्स को रेगुलर नए नए सेटअप के बारे में देखना पड़ता है, रेगुलर उन्हें न्यू ट्रेड सेटअप ढूंढ के उसमें एंट्री एंड एग्जिट करनी होती है, इसलिए उनको स्क्रीन के सामने पूरे दिन रहना पड़ता है। तो आपको स्क्रीन टाइम के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को स्क्रीन के सामने बैठने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्विंग ट्रेडर्स को भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बट एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर थोड़ी सी तो उन्हें भी स्क्रीन के सामने रहना पड़ता है, और इंट्राडे ट्रेडर्स को हमेशा स्क्रीन के सामने बैठे रहना पड़ता है और फुल्ली कंसंट्रेट होके उस स्क्रीन में ट्रेड सेटअप को ढूंढना, उसमें एंट्री एग्जिट करना होता है। तो दोस्तों होप्सो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के बारे में। तो अब आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी टाइप की ट्रेडिंग करनी है। दोस्तों हमारी ये सीरीज मेनली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है, क्योंकि हम यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग रिलेटेड बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हो, बट मेनली हम इंट्राडे ट्रेडिंग पे फोकस करके इस सीरीज को बना रहे हैं। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्ट है तो आप इस सीरीज को पूरा देखें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दे, इस पर कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और मिलते रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ट्रेडर्स बाजार, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे भी हम आपको बहुत सारे स्टफ्स देंगे ट्रेडिंग रिलेटेड, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा।